So let us wait for one more minute. So we have a uniprocessor computer system that only has two processes, both of which alternate 10 millisecond CPU burst with 90 ms input output burst. Both the processes were created at nearly the same time. The input output of both the processes can proceed in parallel. Which of the following scheduling strategies will result in least CPU utilization? तो इसको चेक करने के लिए देखते हैं। लेट अस सपोज सबसे फर्स्ट है आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो 10 ms का आपके पास इनिशियली अल्टरनेट होगा, मान लो P1 P2, ये 0 से 10, ये 10 से 20, और फिर 90 का आफ्टर 10 आप लगा लो के 100 तक वो इनपुट आउटपुट के लिए गया होगा। देन P1 for 110 and then P2 for 120 and then so on. So ye to ho gaya first come first serve ke base pe. To isme ye aapke paas kitna aayega idle time 80/120. ये आइडल टाइम होगा और यूटिलिटी टाइम कितना होगा, यूटिलाइजेशन टाइम 40/120 × 100, तो जो भी आएगा इससे ठीक है। अब सेकंड है आपके पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसमें क्या है आपके पास, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में क्या है, सो सबसे पहले
आपके पास कोई भी P1 P2 में से कोई भी प्रोसेस आ गया तो लेट अस सपोज वो पूरा होगा, फिर P2 एंड देन फॉर 90 मिलीसेकेंड्स, मतलब 100 तक ये चलेगा क्योंकि 90 10 से वो हो गया, तो सेम इसका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के केस में भी वही आएगा. देन स्टैटिक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद डिफरेंट प्रायोरिटीज फॉर टू प्रोसेसेस, उसमें भी मान लो P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है P2 की कम है, तो इस तरह से ही उसका भी बनेगा. अब राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग विद अ टाइम क्वांटम ऑफ 5 मिलीसेकेंड्स, तो इस केस में क्या होगा, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग विद अ टाइम क्वांटम ऑफ 5 मिलीसेकेंड्स. तो सबसे पहले मान लो P1 आया, जीरो से 5 तक P1, 5 से 10 तक P2, 10 से 15 तक P1 एंड 15 से 20 तक P2. अब P1 90 मिलीसेकेंड्स तक रहेगा, तो यहां पर जो बाकी केसेस में 100 था वो कहां पर चला गया, 105. तो P1 देन P2 P1 एंड देन P2. क्लियर? तो यहां अब वेटिंग टाइम अगर 120 का ले, 120 टाइम तक का, वो कितना होगा आइडल टाइम, 85/120. तो पिछले केसेस में सभी में कितना था, 80/120. तो आइडल टाइम या लीस्ट सीपीयू यूटिलाइजेशन किस में रहेगी, आपकी राउंड रॉबिन वाले में रहेगी. हाँ जी, इसमें किसी को अगर डाउट है तो चैट में कमेंट करके ले बताओ. इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो चैट में कमेंट कर. एंड में दोबारा बर्स्ट क्यों हो रहा है, तो एंड में दोबारा बर्स्ट इसलिए हो रहा है कि आपके पास यहां देखो ना 10 ms with 90 m, both these processes were created the input of, के दो processes हैं alternative CPU और input output burst में ये चलता जाएगा. ठीक है, तो waiting time अब यहाँ पे 105 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 15 था, P1 15 पे खत्म हुआ, उसके बाद 90 milliseconds का इसको input output burst है, 15 plus 90 105. तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि 105 कैसे आया, तो यहाँ पे 15 plus 90 105. तो इसके बाद तो ये ऐसे आगे और भी चलता जाएगा एंड सो ऑन, लेकिन हमें इतने से ही पता चल गया कि इसमें सीपीयू सबसे ज्यादा आइडल रहेगा, क्योंकि 20 से 105 तक कोई आपका टास्क नहीं हो रहा. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या था, 0 से 10 तक P1, 10 से 20 तक P2. तो नेक्स्ट प्रोसेस कब आ जाता था, इनपुट आउटपुट बर्स्ट के बाद P1 100 पे, लेकिन यहाँ पे कब आया, 105 पे. तो लीस्ट जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होगी वो इस केस में होगी राउंड रॉबिन. हाँ जी, एनी अदर डाउट. राउंड रॉबिन इस केस में लेस एफिशिएंट है, इस केस में लेस एफिशिएंट है. 85/125 भी ले सकते हो कार्तिक, लेकिन आपको बाकी एल्गोरिदम से कंपैरिजन के लिए पूरा देखना पड़ेगा, टाइम फ्रेम एक ही मानना पड़ेगा. कंपैरिजन हम 120 तक कर रहे हैं, अगर कोई चाहता है तो 240 तक भी कर ले, लेकिन राउंड रॉबिन ही लीस्ट का आएगा. प्रोसेस टू का इनपुट आउटपुट का क्या हुआ, वो भी इनपुट आउटपुट पैरेलली चलता गया ना उसका भी,
प्रोसेस टू का नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि 20 पे हर केस में वो हुआ 20 से लेके 90 तक, मतलब 110 पे ही उसकी अवेलेबिलिटी होगी, तो हमने वहीं पर उसको लिया है। सी पार्ट का आंसर का क्या होगा, वो सेम होगा जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का हुआ था। अगर मैंने सी पार्ट के लिए स्टैटिक प्रायोरिटी के लिए बनाना है, मान लो पी वन की प्रायोरिटी ज्यादा है पी टू से, तो क्या होगा, जीरो से टेन पी वन चलेगा, टेन से ट्वेंटी पी टू, देन फॉर 90 मिली सेकेंड्स ये पी वन के लिए 100 तक ये वेटिंग में रहा, फिर पी वन एंड देन पी टू। यस 110 तक वो आइडल में रहेगा, कौन सा पी टू इनपुट आउटपुट में रहेगा, लेकिन सीपीयू के पास तो ये पी वन आ रहा है ना 110 तक। क्लियर, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आप अब कैसे भी आ जाएं आप अटेम्प्ट कर सकते हो। स्टैटिक प्रायोरिटी का मतलब है कि उसकी प्रायोरिटी पूरे प्रोसेस के दौरान चेंज नहीं होगी, उसमें एजिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। जो नॉर्मल आपको प्रायोरिटी हमेशा दी जाती है वो स्टैटिक ही होती है। डायनेमिक प्रायोरिटी कब होगी, जब एजिंग के हिसाब से आपकी प्रायोरिटी इंक्रीज की जाए, जो एजिंग का कॉन्सेप्ट बताया था आपको स्टार्वेशन के लिए। सर राउंड रॉबिन में 125 कैसे आया पी टू का, देखो उसको तो अगेन उसके ऊपर ही फोकस करो आप। यहां पर देखो 15 पे पी वन खत्म हुआ तो 105 पे पी वन आगे चालू हुआ स्टार्ट हुआ, ये 20 पे खत्म हुआ तो ये 110 पे चालू हुआ स्टार्ट। क्लियर, वो तो जैसे भी आपका क्वेश्चन है आपने वैसे उस हिसाब से ही देखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइव जॉब्स ए बी सी डी ई आर वेटिंग इन रेडी क्यू, देयर एक्सपेक्टेड रन टाइम्स आर 9, 6, 3, 5 एंड x रिस्पेक्टिवली, ऑल दी जॉब्स एंटर्ड इन दी रेडी क्यू एट टाइम 0, दे मस्ट रन इन डैश ऑर्डर टू मिनिमाइज एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इफ 3 इज लेस देन x इज लेस देन 5 इन केस ऑफ नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूल। हाँ जी, क्वेश्चन काफी सिंपल है कि आपको मिनिमम एवरेज रिस्पांस टाइम चाहिए, तो इन केस ऑफ नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग में मिनिमम एवरेज रिस्पांस टाइम या रिस्पांस टाइम होगा वो किसके बराबर होगा, वेटिंग टाइम के बराबर, ठीक है, नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो और नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग में हमेशा बेस्ट रिजल्ट किसका आता है, दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के हिसाब से आप इसको अरेंज कर दो। मान लो आपके पास बर्स्ट टाइम क्या दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई, आपके पास दिया हुआ है 9, 6, 3, 5 और एक्स है वो 3 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैंने सपोज करो 4 मान लिया, तो आप इसको शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के हिसाब से अरेंज कर दो, सी ई डी बी ए, तो वही हमारा आंसर आ गया। क्लियर, रिवर्स ऑर्डर आपका, अगर रिवर्स ऑर्डर लिखते हो तो
मतलब आप लॉन्गेस्ट टाइम के हिसाब से, तो कितना आता है आपका? वैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शंस थी, ठीक है, मैंने ऑप्शंस नहीं दी, उनमें से एक टिक करना है, लेकिन आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के हिसाब से इसका आंसर सही आ जाना चाहिए, वेटिंग टाइम, क्योंकि अगर लॉन्गेस्ट का होगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब हाँ जी, इस क्वेश्चन को करो। ये आपका जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के क्राइटेरिया का है, थ्रूपुट के ऊपर है, तो इसको सॉल्व करो, काफी इजी है, जनरल एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है ये, उसको आप अटेम्प्ट करो, इसको 2 मिनट्स हैं आपके पास, इसको अटेम्प्ट करो। इन अ सिस्टम यूजिंग सिंगल प्रोसेसर, अ न्यू प्रोसेस अराइव्स एट रेट ऑफ 6 प्रोसेसेस पर मिनट। 1 मिनट में आपके 6 प्रोसेसेस आ रहे हैं, एंड ईच प्रोसेस रिक्वायर्स 7 सेकेंड्स ऑफ सर्विस टाइम, व्हाट इज द सीपीयू यूटिलाइजेशन? तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 मिनट में ही उनकी सर्विस टाइम भी हो पा रही है, तो 1 मिनट में या 60 सेकेंड्स में कितने प्रोसेस आ रहे हैं? 6 प्रोसेसेस आ रहे हैं, तो पर 10 सेकेंड्स एक प्रोसेस आपका आ रहा है, और एक प्रोसेस को 7 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है? तो मतलब क्या है कि एक अगर 0 पे आया, सेकंड प्रोसेस 10 पे आया, थर्ड प्रोसेस 20 पे आया, 30 पे आया, फोर्टी, फिफ्टी, एंड 60। मान लो आपके ऐसे प्रोसेसेस 6 प्रोसेसेस आए। अब हर प्रोसेस की सर्विस को कितना टाइम लगता है एक्चुअल में? 7 यूनिट्स, 3 यूनिट्स वो आपका सिस्टम आइडल बैठेगा। तो 60 में से कितने मिनट आपके यूज हुए? 42। 42 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, ये आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन हुई, तो कितना हुआ इसका आंसर? 70%। बेसिक मैथ है ये, आप करके देख सकते हो, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में तो मुझे कोई इश्यू लगता नहीं। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द टाइम टी टेकन टू बी स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन बी T1, व्हाइल द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन टू प्रोसेसेस बी T2। मतलब जो यूजर मोड और कर्नल मोड में स्विच करने के लिए टाइम है वो T1 है, और एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को प्रोसेसर स्विच करने के लिए टाइम T2 है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो यहां पर देखो, ये क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच, ये जो क्वेश्चन है ये किसके ऊपर है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वाली डायग्राम, सॉरी उसमें नहीं है, वो चैप्टर 3 में थी,
तो एक मिनट, चैप्टर थ्री। यस, प्लीज फोकस ऑन दिस डायग्राम। अब यहां पे क्या है कि जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होना है तो पहले इंटरप्ट और सिस्टम कॉल आएगी। जब भी सिस्टम कॉल होती है तो क्या होता है, प्रोसेस आपका यूजर मोड टू कर्नल मोड में स्विच करता है और उसके बाद सेव स्टेट इनटू पीसीबी, रीलोड स्टेट इनटू पीसीबी, ये सब प्रोसीजर होते हैं। तो अब जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन था ये, अब इसमें आप सभी लोग कमेंट्स में लिखो कि आपके हिसाब से T1 और T2 में रिलेशन क्या होना चाहिए। T1 तो क्या है, टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड, और T2 क्या है, एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। तो यस, T1 शुड बी लेस देन T2, ये होगा ही ना, क्योंकि उस डायग्राम को अगर देखोगे वो तो उसका एक पार्ट है। T1 शुड बी लेस देन T2, क्यों, क्योंकि वो तो उसी का ही पार्ट है। कॉन्टेक्स्ट स्विच होने के लिए पहले हमें सिस्टम कॉल भी कॉल करनी पड़ती है, तो जो कि T1 का टाइम कंज्यूमिंग है, तो इट विल ऑलवेज बी T1 शुड बी लेस देन T2। क्लियर है ये? डायग्राम दिखा देता हूं। यहां पर इसकी वजह से, यहां पर लिखा हुआ है ना इंटरप्ट और सिस्टम कॉल। अब जब भी इंटरप्ट और सिस्टम कॉल हुआ, सिस्टम कॉल का मतलब ही ये है कि वो यूजर मोड टू कर्नल मोड में जाएगा, तो उसके लिए कितना टाइम दिया है, T1, और पूरी स्विचिंग के लिए कितना टाइम है, T2। तो इस डायग्राम से हमें ये इलस्ट्रेट होता है कि T1 शुड ऑलवेज बी लेस देन T2। क्लियर? सो यस, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो सभी लोग इसको अपना 5 मिनट्स लेकर पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो कि क्या है, फिर इसके आंसर की तरफ जाओ। 5 मिनट्स लो और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंसिडर एन प्रोसेसेस शेयरिंग दी सीपीयू इन अ राउंड रॉबिन फैशन। मतलब कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओवरहेड क्या है कि जो भी आपका स्विचिंग के लिए, ओवरहेड को क्या मानते हैं, टाइम। ओवरहेड को क्या मानते हैं हम, टाइम। तो कोई एक्स्ट्रा टाइम जो लगा है उसकी बारे में बात की गई होगी। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन को। अज्यूमिंग दैट ईच प्रोसेस स्विच, कॉन्टेक्स्ट स्विच को कितना टाइम लग रहा है, एस सेकेंड्स, व्हाट मस्ट बी द क्वांटम साइज क्यू। क्यू क्या है, क्वांटम साइज, जो टाइम क्वांटम, सच दैट ओवरहेड रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेस स्विचिंग इज मिनिमाइज। मतलब अगर कोई ओवरहेड पैदा हो रहा है तो वो मिनिमाइज हो जाए, बट एट द सेम टाइम ईच प्रोसेस इज ग्रांटेड टू
get its turn at the CPU at least every T seconds. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं हम. मान लो आपके पास फोर प्रोसेसेस हैं, यहां पर n लिखा हुआ है, मैं उसकी n की जगह फोर कर देता हूं. मान लो आपके पास फोर प्रोसेसेस हैं, ठीक है, तो इस तरह से वो अभी शेड्यूल्ड है. ऐसे राउंड रॉबिन फैशन में ऐसे होगा. अब इन्होंने क्या दिया हुआ है कि क्वांटम टाइम हमें बताना है कि कितना हो ताकि मिनिमम टाइम लगे हमारा. अब क्वांटम टाइम का मतलब क्या है कि ये वाला टाइम क्वांटम टाइम होगा, ठीक है, ये वाला टाइम क्वांटम टाइम होगा हर प्रोसेस का भी, जितनी देर उसको क्वांटम टाइम करना पड़े, ठीक है. अब इसने बताया कि आफ्टर जब P1 का पूरा हुआ तो दोबारा P1 की बारी कितनी देर बाद आए, तो अगर आप यहां से काउंट करोगे तो कितने क्वांटम टाइम आपको चाहिए. यहां एक क्वांटम टाइम, यहां एक क्वांटम टाइम और यहां एक क्वांटम टाइम, तो मतलब कितने, थ्री. थ्री मीन्स एन माइनस वन इंटू क्यू, ठीक है. अभी मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा जिसको नहीं समझ में आया, पहले एक बार सुन लो. अब इन्होंने एक एस नाम की हमें कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम दिया हुआ है, इस स्विचिंग टाइम कितना है एस. अब स्विचिंग टाइम मतलब P1 से P2 को जो स्विच करने को टाइम लगा वो कितना है एस. अब P1 पे था तो दोबारा P1 कितनी स्विचेस टाइम के बाद आएगा. देखो पहले तो यहां से एक स्विच हुआ, फिर P2 से P3 तक एक सेकेंड स्विच हुआ, थर्ड स्विच P4 तक हुआ, एंड देन फोर्थ स्विच, देन अगेन P1 तक हुआ, तो मतलब ये कितना हुआ N, N इंटू एस, ठीक है. ये आपका T टाइम के तक गारंटी होनी चाहिए कि T टाइम तक ये पहुंच जाए. तो अगर आप इसको अब सॉल्व करोगे तो ये कैसे आएगा, N माइनस वन क्यू should be less than equals to t minus ns, फिर q should be तो आपका a option answer आ जाएगा. हाँ जी, आप इसमें किसी को doubt है तो मैं दोबारा से अभी इसको explain कर रहा हूं, तो दोबारा से इसको सुनना अभी, अगर फिर doubt हुआ तो chat में comment कर. देखो आप क्वेश्चन को समझो, टोटल आपके पास n प्रोसेसेस थे, आप कितने भी मान लो, मान लो मैंने चार मान लिए, राउंड रॉबिन है तो आपके पास ऐसे पड़े हैं. अब यहां पर क्वेश्चन को समझो, बट एट द सेम टाइम ईच प्रोसेस इज गारंटेड टू गेट इट्स टर्न एट द सीपीयू एट लीस्ट एवरी टी सेकेंड्स. T सेकेंड्स बाद उस प्रोसेस की दोबारा से टर्न आनी चाहिए, तो हमें क्वांटम टाइम उसके लिए कैलकुलेट करना है. अब इसने हमें क्वांटम टाइम कितना दिया हुआ है Q. अब ये दोबारा से मतलब P1 की यहां पर इसकी बारी खत्म होगी, क्वांटम पूरा हो गया, तो उसके बाद P1 दोबारा तक इसको कितने क्वांटम लेने पड़ेंगे, एक क्वांटम यहाँ पे, एक क्वांटम यहाँ पे, एक क्वांटम यहाँ पे, मतलब तीन क्वांटम लेने पड़े. लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने थे, फोर, तो मतलब मैं इसको इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, एन माइनस वन क्यू. अब टोटल नंबर ऑफ स्विचेस कितने चाहिए दोबारा से उसकी टर्न आने के लिए. अभी यहां पर P1 पे था तो एक स्विच यहां पे S, सेकेंड स्विच यहां पे, थर्ड स्विच यहां से, एंड फोर्थ स्विच देन अगेन, तो मतलब चार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच का टाइम लगेगा. तो वो टाइम को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एन इंटू एस. ये टाइम टी या टी से कम होना चाहिए, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ए ऑप्शन आएगी. हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो तो चैट में पूछो.
यस एनी डाउट? क्लियर है ये? ओवरहेड मिनिमाइज्ड का मतलब क्या है? देखो यहां पे इन्होंने कहा है कि जो भी आपके ओवरहेड होंगे वो मिनिमाइज्ड हो जाए और हर प्रोसेस को एवरी टी सेकेंड्स बारी मिले। तो हमने वो इसी टी के साथ ही कवर कर लिया कि हर प्रोसेस को टी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्यू माइनस वन एस सॉरी एन माइनस वन क्यू प्लस एस इंटू एन। तो उसी से हमने इसको भी हर टी सेकेंड्स बाद उसको बारी मिले। ओवरहेड मिनिमाइज का तो एक थ्योरेटिकल बात है कि क्वांटम साइज ऐसा हो कि ओवरहेड आपका मिनिमाइज है, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका जो ओवरहेड है वो मिनिमाइज है, मतलब और कोई इसको ओवरहेड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यूज दी होती तो हमें उसको ऐड करना पड़ता। क्लियर? मतलब शेड्यूलिंग ओवरहेड की बात की जाती है तो शेड्यूलिंग ओवरहेड ज्यादातर क्वेश्चन में निल ही कंसिडर किया जाता है। तो अगर इसको मिनी ओवरहेड को आप इग्नोर भी कर दोगे तो क्वेश्चन के सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस एनी अदर डाउट? क्वांटम टाइम की डेफिनेशन क्या है? क्वांटम टाइम क्या होता है कि कितना टाइम आपको एक बारी में राउंड रॉबिन में प्रोसेसर का टाइम मिलेगा, मतलब शेयर्ड टाइम कितना मिलेगा। अगर हम राउंड रॉबिन में कहते हैं कि टाइम क्वांटम इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो 0 से 2 P1, 2 से 4 P2, 4 से 6 P3। तो यहां पर उसी को क्वांटम टाइम बोला गया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे n माइनस वन इंटू क्यू क्यों लिया हमने? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में ये ऐसे था कि P1, P2, P3, P4, P1। अब दोबारा P1 की टर्न कब आएगी? तो अब यहां तक तो P1 की टर्न है ही है, तो इसके क्वांटम को तो मैं ऐड नहीं करूंगा, तो यहां से ये वाली मुझे लेनी पड़ी। तो ये कितनी हुई? n माइनस वन की। स्विचिंग टाइम कितना हुआ? स्विच तो मुझे यहां से यहां भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हुआ? n इंटू एस। क्लियर? सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये तो हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब जो रिमेनिंग आपके दो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स रहते हैं उसको हम देखते हैं। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। If time quantum of round robin algorithm is increased, तो क्या होगा? If time quantum of round robin algorithm is increased, तो ये धीरे धीरे अगर टाइम क्वांटम आप बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? धीरे धीरे ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह ही एल्गोरिदम बन जाएगा, क्योंकि लेट अस सपोज आपने टाइम क्वांटम ही 50 कर दिया, इतना ज्यादा कर दिया, तो जिसमें हर प्रोसेस का बर्स्ट टाइम उससे कम है तो वो क्या कौन सा एल्गोरिदम बन जाएगा? एक तरीके से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। तो और एक बात और इम्पोर्टेंट आपने ध्यान में रखनी है, सेकंड बात एक तो ये होगी कि नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विच, अगर आपके टाइम क्वांटम आपने डिक्रीज कर दिया तो आपके नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विच क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब क्या है?
number of contact switches will be more. तो हर एक कॉन्टेक्ट स्विच की कॉस्ट होती है, एक अपना ओवरहेड होता है. वो ओवरहेड क्या होता है, जो वो स्टेट्स को लोड करता है, पहले सिस्टम कॉल करता है, फिर स्टेट्स को लोड करता है और फिर रीलोड करता है. तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है. तो ये आप हर एक कॉन्टेक्ट स्विच अपने आप में एक ओवरहेड लेकर आता है. तो इसीलिए अगर ज्यादा कॉन्टेक्ट स्विच आपके सिस्टम में हो रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, उसके लिए भी ओवरहेड लगता है. तो ये टाइम क्वांटम ऑपरेटिंग सिस्टम को बड़े ध्यान से चूज करना चाहिए भी कितने का होना चाहिए. क्लियर? एनी डाउट इसमें? देखो, अगर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में टाइम क्वांटम आपने ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो उसका मतलब क्या है, आपका ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बन जाएगा. अगर टाइम क्वांटम आपने डिक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विच विल बी मोर, क्योंकि टाइम क्वांटम आपने डिक्रीज कर दिया है उस केस में. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस विल बी मोर. यस, एनी अदर डाउट? सो अब नेक्स्ट हमारा एल्गोरिदम है, That is multi-level queue algorithm. अब इसमें जो ready queue है वो अलग अलग queues में divide की जाती है और हर queue का अपना algorithm हो सकता है. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, आपको book में ये वाली diagram मिलेगी. देखो, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेसेस हैं वो सबसे ऊपरली क्यू में सिस्टम प्रोसेसेस में होंगे, फिर इंटरेक्टिव प्रोसेसेस. अब इसका मतलब क्या है कि पहले ये वाले प्रोसेसेस एग्जीक्यूट किए जाएंगे, फिर ये वाले, फिर ये वाले, फिर ये वाले, एंड सो ऑन. तो लास्ट में लोएस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेसेस एग्जीक्यूट किए जाएंगे. लेकिन अगर इस तरह से क्यूज में देखो, ये सारी क्या है, जनरली आपके पास रेडी क्यू एक होती है. अब यहाँ पे रेडी क्यू को आपने ऐसे मल्टीपल क्यूज में डिवाइड कर लिया है और इन क्यूज की हायरार्की है कि सबसे पहले ऊपर है सिस्टम प्रोसेसेस की, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी, एंड देन कम्स लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेसेस, जो इसमें स्टूडेंट प्रोसेसेस की का है. तो लेकिन इसमें क्या होगा, फिर जो हर इंडिविजुअल क्यू है इसका अपना एक अलग से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो सकता है. मान लो यहाँ पर राउंड रॉबिन यूज किया जा रहा है, यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज किया जा रहा है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट किया जा रहा है, यहाँ पे प्रायोरिटी किया जा रहा है. ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉसिबल है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस पॉसिबल हैं. ठीक है, तो ये आपके पास अलग अलग क्यूज में अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पॉसिबल है. अब क्या होगा कि हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस को पहले प्रायोरिटी दी जा रही है, तो ये वाली क्यू हमेशा पहले एग्जीक्यूट होगी. तो ये पॉसिबल है कि यहाँ के प्रोसेसेस स्टार्ट करें. तो इन्होंने क्या किया, 80% और 20% के हिसाब से टाइम क्वांटम डिवाइड कर लिया कि 80% आपके ये वाले प्रोसेसेस चलेंगे क्यूज टाइम क्वांटम प्रोसेसर का, और 20% लोएस्ट प्रायोरिटी के. तो कभी ना कभी इसकी भी बारी इन प्रोसेसेस की आ जाएगी. मान लो आपके पास, जिसको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आया, मान लो आपके पास ऐसे है, ये क्यूज हैं, ठीक है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये लोएस्ट प्रायोरिटी. अब क्या होगा कि मान लो 10 सेकेंड्स हैं
तो 8 सेकेंड्स तो आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली क्यूज को दे दिए, तो इनके प्रोसेसेस चले। 2 सेकेंड्स आपने लोएस्ट प्रायोरिटी वाली क्यूज को दे दिए राउंड रॉबिन फैशन में, तो इनके प्रोसेसेस चले। तो इससे क्या होगा, ये वाले प्रोसेसेस स्टार्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये राउंड रॉबिन फैशन में इनको चाहे कम टाइम मिला है प्रोसेसर का, लेकिन टाइम तो मिला है, तो ये भी कभी ना कभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यही आपकी इस स्लाइड में लिखा है। ठीक है, तो टाइम स्लाइस के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो? ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। देखो, सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड करना है कि 80% में कितने क्यू आई, ये कैसे पता चला, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहले से एल्गोरिदम होगा, वो उसने डिसाइड करना है। ये भी जरूरी नहीं कि 80% ही रखे, वो 70-30 रख ले, 60-40 रख ले, ये तो लेकिन एक तरीके का एल्गोरिदम प्रपोज्ड है, तो इसमें ये कुछ भी हो सकता है। ये एल्गोरिदम क्या बोलता है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के, सॉरी मल्टी क्यू के, आपके पास मल्टीपल क्यूज हो सकती हैं प्रायोरिटी वाइज, तो हर क्यू का अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो सकता है, और स्टार्वेशन को बचाने के लिए आप क्यूज में राउंड रॉबिन लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें तीन ही मेन पॉइंट देखने वाले हैं, लेकिन इसमें जो एक प्रॉब्लम है कि प्रोसेस हमेशा एक ही क्यू में फिक्स रहेगा। देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, प्रोसेस परमानेंटली इन अ गिवन क्यू, के एक ही प्रोसेस में वो क्यू का फिक्स रहेगा। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि उसने 80% में कितने क्यू लेने हैं या एक ही क्यू लेना है। मान लो ऐसा भी हो सकता है ना जशन, के आपके पास सिस्टम प्रोसेसेस को उसने 30% टाइम दे दिया, इसको 10% दे दिया, इसको 8 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 2 दे दिया, वो तो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा मर्जी उसको अपने हिसाब से टाइम दे दे। लेकिन इसका मेन फंडा क्या है कि मल्टीपल क्यूज हैं, हर क्यू का अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो सकता है, और स्टार्वेशन से बचने के लिए इन क्यूज के बीच में राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है मल्टी क्यू मॉडल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बड़े रेयर आते हैं, तो लेकिन थोरेटिकली आपको पता होना चाहिए ये कि है क्या। अब यहां पर अगला है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब इसमें क्या है, पिछले और इसमें डिफरेंस क्या है? यस पवन, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। तो यहां पर अब क्या है, पिछले और इसमें क्या डाउट है के, सॉरी डिफरेंस क्या है कि पिछले जो फीड हमने क्यूज मॉडल किया है उसमें आपका प्रोसेस डिफरेंट क्यूज में मूव नहीं कर सकता, जिस क्यू में है उसी में वो रहेगा। ठीक है, तो अगर उसी में रहेगा तो इसमें, लेकिन मल्टीपल फीडबैक क्यू में वो मूव कर सकता है। पहले अगर मान लो 30 सेकेंड्स का उसका टाइम क्वांटम है एक प्रोसेस का, तो सबसे पहले उसको 8 सेकेंड्स उसने टॉप मोस्ट क्यू में डाले। ठीक है, फिर नेक्स्ट 16 उससे नीचे वाली क्यू में, और जो रिमेनिंग टाइम है वो सबसे लास्ट वाली क्यू में वो बताएगा। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, आप मल्टी लेवल फीडबैक क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर आपका एक अगले लेक्चर में थ्रेड्स वाला भी पूरा कर दिया जाएगा। तो अभी इस लेक्चर को करते हैं एंड, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू को डिटेल।